एक्चुअली वीडी 18 मेंस बेबी जॉन का आपने टीजर देख लिया अनाउंसमेंट वाला, कैसा लगा टीजर, क्या कहना है? पहली बात तो टीजर में इतना कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया है, वरुण का जो एक थोड़ा सा लुक दिखा है और एक थोड़ी सी एक्शन सीक्वेंस की एक झलक दिखी है, तो सो जो टीज़र है उसमें इतना कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है, और एक वरुण धवन एक छोटा सा एक्शन सीन कर रहे, उसकी एक सीक्वेंस की एक छोटी सी झलक है, हार्डली 5-6 सेकंड की, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मसाला फिल्मों का जो एक दौर चल रहा है, लेकिन बात वही आती है कि दर्शकों से यही कहूँगा कि ये फिल्म ठेरी का रीमेक है और ठेरी भी हिंदी डब में अवेलेबल है और काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को देखा है, तो अगर इन्होंने कुछ नेसेसरी चेंजेस किए, जैसे मैं कहूँगा कि ठेरी में काफ़ी सारे ऐसे चीप कॉमेडी सीन्स है या थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि बेवजह का मसाला काफ़ी है जो बॉलीवुड की ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि जवान जो है, इटली की हम कोई भी फिल्म देख ले, ठेरी हो गई, बिगिल हो गई, मर्सल हो गई, कोई भी हो गई, तो उसमें काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे कि जो अनवांटेड थे और बॉलीवुड ऑडियंस को इतना डाइजेस्ट करने जैसे नहीं थे, लेकिन जवान में उन्होंने अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड ऑडियंस चेंज किया, और मैं यही आशा करता हूँ कि कालिस जो इटली के असिस्टेंट रह चुके हैं वो इस फिल्म को थोड़ा बहुत चेंज करे और अपने स्टाइल में बनाए, बॉलीवुड ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए बनाए, तो ये फिल्म अच्छा कर सकती है। और वरुण धवन जिनका टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ये उनके लिए एक परफेक्ट काइंड ऑफ फिल्म हो सकती है कमबैक के लिए, नहीं पाथ ब्रेकिंग, ये कमबैक वाली फिल्म हो सकती है वरुण धवन के लिए। साथ में कीर्ति सुरेश को भी लिया है जो साउथ में एक बड़ा नाम है, वामी का भी है, तो मतलब ठीक ठाक ही है अभी, लेट्स सी, इसमें तो इतना कुछ आइडिया आया नहीं है, फाइनल टीजर ट्रेलर पोस्टर आएंगे तो ही हम कुछ ज़्यादा बता पाएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से उनको लुक को दिखाया गया है, लुक कितना अट्रैक्टिव लग रहा है? देखिए जैसे मैंने कहा, हार्डली 3-4 सेकंड का एक ग्लिम्स है, लुक में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चला हमको, मतलब एक छोटा सा एक है, जैसे मैंने कहा कि ये वरुण के लिए एक परफेक्ट कमबैक फिल्म हो सकती है, क्योंकि देखिए लुक कैसा भी हो, लुक इतना मैटर नहीं करता अगर आपके क्वालिटी में प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो मैं वही कहूँगा। और क्या लगता है रीमेक का मार्केट जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया, जैसा मैंने आपको बोला है कि शैतान कैसा था, जो गुजराती फिल्म है वश, वो गुजराती सिनेमा के हिसाब से काफ़ी बोल्ड और बहुत ही ब्रूटल फिल्म है, और बॉलीवुड में वो और आगे जा सकती है, और वो गुजराती फिल्म कितने लोगों ने देखी है, वश और ठेरी कितने लोगों ने देखी, आप खुद ही उसका डिफरेंस समझ जाओगे कि ठेरी हिंदी डब में अवेलेबल है, बात यही है, वश नहीं है। पर रीमेक के मार्केट के अगर बारे में बात करें, जैसे कि हमने देखा है कि जर्सी का बेहाल हो गया था या फिर विक्रम बेदा अंडर परफॉर्म, देखिए ऐसे तो दृश्यम 2 भी थी, दृश्यम 2 भी एक रीमेक थी, लेकिन किसने सोचा था इतना करेगी, कर ली, और ठेरी भी जैसा मैंने कहा, अगर फिल्म में चेंजेस रहेंगे जो नेसेसरी है बॉलीवुड के हिसाब से, तो शायद ये फिल्म चल जाए, वरना नहीं भी चल सकती है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है टू बी ऑनेस्ट इस फिल्म से। कार्तिक आर्यन मास अवतार के सामने, लोगों के सामने आए थे, यू नो जो शहजादा लेके आए थे, इवन फिर शहजादा में शाहिद कपूर ने फिर उनका एक दौर दिखाया था, डैडी की ब्लडी डैडी एक साउथ फिल्म का रीमेक नहीं थी, और शहजादा ऐसी थी कि उसका हर छोटे से छोटा एक्शन सीन, इवन कपड़े भी उन्होंने चेंज नहीं किए थे, सब सेम टू सेम वैसा ही था, स्लो मोशन में एक्शन कर रहे हैं, और पहली बात जैसा मैंने कहा कि आपको बॉलीवुड के ऑडियंस की के जैसे उनकी तरह सोचना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, आप कुछ भी चीप कॉमेडी डाल दोगे तो वो बॉलीवुड में नहीं चलने वाला है, जैसे हमने देखा छत्रपति कहाँ चली, क्या हुआ उस फिल्म का, हालांकि कोई बड़ा नाम नहीं था लेकिन फिर भी उस फिल्म की क्या दशा हुई, तो वही है कि अकॉर्डिंगली अगर चेंजेस के होंगे तो शायद थोड़ी बहुत चल जाए। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? देखिए मैं टीजर ट्रेलर इन सब को रेटिंग नहीं देता हूँ जब तक कुछ आया नहीं, जैसा मैंने कहा हार्डली हमको 30-35 सेकंड्स का ग्लिम्स दिखा है, तो उसकी क्या रेटिंग दूँ। मिलते ट्रेलर के वक्त, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वीडियो एडिटिंग का आपने टीजर देखा, आपको कैसा लगा? पहले लाल पीला काला दिखा, फिर वो वरुण धवन दिखा अपने को, फाइनली दिख गया उसका आंख, दिखा उसका फेस तो ज़्यादा पूरा क्लियर नहीं दिखा, क्या फेस दिख रहा है पूरा दिखा नहीं, लेकिन उसमें एक सीन है ना दिखाया, उसमें पूरा पूरा साफ एकदम क्लियर नहीं दिखाया, पूरा एकदम वो ऐसा हो, बड़े वालों में दिखाया, हाँ बड़े वालों में दिखाया बस, लेकिन अच्छा था। लेकिन अगर बात करूँ उसकी विजुअल्स की, लाल पीला दिख रहा है, जैसे सलार में देखे थे आपने कि काला पीला सब दिख रहा था, साउथ डायरेक्टर को पता नहीं क्या हो गया सर, लाल काला पीले में घुसते वो लोग, व्हाइट में आ ही नहीं रहे वो लोग, निकल के उभर के लाल पीला बनाओ, नहीं बना रहे वो लोग, वो डार्क डार्क लाग वो सब दिख रहा है, वो खून खराब वो सब सेम ही दिख रहा है, कोई नया अच्छा तो दिखा नहीं मेरे को इसे। अच्छा कहा जा रहा है ये फिल्म भी एक रीमेक है जी, क्या हाल ही में 2-3 फिल्मों की भी रीमेक की अनाउंसमेंट हो गई, तो क्या लगता है रीमेक का मार्केट बॉलीवुड में
उभर जाएगा या फिर मुझे तो लगता नहीं कि बॉलीवुड में आप रीमेक बनाओ यार। आप हमारे बॉलीवुड में इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर है, लोग खुद काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो जरूरत नहीं है कि रीमेक करो, जरूरत नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं अपने करने की यार। वो ऑलरेडी हम लोग हिंदी में देख चुके, कैसी की बात करें, कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हिंदी में, इतना पब्लिक तो आई नहीं देखने के लिए आपके पास। तो इसे ओरिजिनल्स पे काम करो, रियल कंटेंट में काम करो कि हाँ हमारा खुद का कंटेंट है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तुम वरुण धवन को ले लियो एक्शन में, जम नहीं रहा मेरे को, लग नहीं रहा रुकेगा फिर रुकेगा। वरुण धवन कैसे लग रहे मास स्टाइल में? मुझे तो नहीं जम रहा भाई, वैसा लग रहा वो एक उसके लिए हाइट होना चाहिए एक्शन करने के लिए, जमना चाहिए बंदा, जम नहीं रहा मेरे को। क्या कहना रहेगा, कीर्ति सुरेश भी इसमें होने वाली है, वामिका कभी होने वाली है, कैसी जोड़ी हो सकती है? जोड़ी तो सब कुछ अच्छी होगी, डायरेक्टर साउथ का तो सही करेंगे वो लोग, लेकिन मुझे अरुण धवन तो चेंज करना चाहिए था। वरुण धवन ओके, वरुण धवन की जगह पे कौन आना चाहिए था आपको लगता है? शाहिद कपूर उन्हें होना चाहिए था। ओके, क्या लगता है बाकी बैकग्राउंड स्कोर वगैरह? बैकग्राउंड स्कोर खतरनाक था एकदम, बोलते हैं ना कि एकदम साउथ वाला जो फील होता है ना, एकदम वही दिलाया उसने कि हाँ साउथ का मूवी है तो साउथ वाला ही बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ काला पीला नीला दिख रहा है, कुछ अच्छा दिखाओ ना यार। अच्छा व्हाइट में दिखना चाहिए, थोड़ा ऊपर ले माइक सर। तो फाइनली आपने देखा है सर, आपने फाइनली देखा है बेबी जॉन, बेबी जॉन। हाँ नमस्ते, टीजर टीजर धवन को प्रेजेंट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस बार कुछ धमाका करने वाले। देखो यार, एटली के नाम काफ़ी है यहाँ पर, उनका डायरेक्शन नहीं है, उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो प्रेजेंट कर रहे हैं मूवी को। कालसी करके जो कालिस वो डायरेक्टर है इस मूवी का। देखो अगर हम बात करें वरुण धवन का, तो आप देखोगे जितनी भी उनकी पिछले फिल्में हैं, कुली नंबर वन OTT पे आई थी, उसके बाद एक और आई थी बवाल, बवाल तो अच्छी थी, मेरे को अच्छी काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उससे पहले जितनी फिल्में आई है ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा करते हैं, जैसे कुली नंबर वन हो गया, जुड़वा की, मतलब ये दोनों जो उन्होंने रीमेक किया ना, दोनों के सत्यानाश कर दिया था उन्होंने। लेकिन इस बार सत्यानाश नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी उनका डैडी नहीं है यहाँ पे, डेविड धवन यहाँ पे कुछ साउथ के डायरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है उनका लुक्स की बात करो तो बहुत लोग उनको कंपेयर करेंगे भेड़िया से, क्योंकि उनका भेड़िया में भी बड़े बड़े थोड़ा हेयर स्टाइल था और दाढ़ी वगैरह था, तो वो एक मास बोलते हैं ना, मास टाइप का, उस टाइप का लग रहा मुझे ऐसा। अभी मतलब जज नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ छोटा सा झलक देखने को मिला है। बाकी थमन का जो म्यूजिक है काफ़ी अच्छी है, और उनका म्यूजिक जिस मूवी में रहता है मतलब कि वो जबरदस्त ही होता है, भले पिक्चर का दम पिक्चर दम ना रहे ना रहे, लेकिन म्यूजिक जो BGM होता है उनका बैकग्राउंड, वो मज़ा आ जाता सुनने के बाद। तो अभी वेट करते हैं इसका ट्रेलर का, इसका टीजर का, तो पता चलेगा कि वरुण धवन का आखिर ओरिजिनल लुक क्या है। ये तो सिर्फ ऐसे अंधेरे में उन्होंने दिखाया है। इसके पहले शायद कपूर की जर्सी नाम की फिल्म आई थी, जिसका ओरिजिनल है ना जर्सी रीमेक थी, हिंदी में भी अवेलेबल थी जी। और ये फिल्म भी जिस तरीके से कहा जा रहा है रीमेक है, तो ये भी हिंदी में फिल्म अवेलेबल है, तो क्या लगता है जर्सी ऐसा इस फिल्म का हाल हो सकता है या नहीं हो सकता? देख थेरी की बात करें तो थेरी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी गोल्ड माइन चैनल पे अवेलेबल है हिंदी। मुझे टीजर जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट टीजर डाला, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने जरूर चेंजेस किया, क्योंकि थेरी में आप नोटिस करोगे तो लुक्स उनका जो था पुलिस मुछ वगैरह था, थालापति विजय सर का, और पुलिस ऑफिसर थे, तो इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो कुछ अलग लुक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो शायद वो थोड़ा सा चेंजेस जरूर किए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। आई होप कि वो चेंजेस किए होंगे तो ही मज़ा आएगा, अगर कॉपी पेस्ट किया होगा ना फ्रेम टू फ्रेम, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वही हाल होगा विक्रम वेदा वाला जर्सी वाला, क्योंकि फ्रेम टू फ्रेम अभी नहीं चलती यहाँ पे, कुछ तो आपको चेंजेस चाहिए। जिसे आपको सिम्बा देख लो, टेम्पर का रीमेक था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्लॉट को हल्का सा घुमा दिया था, तो उनको घुमाना चाहिए थोड़ा सा प्लॉट। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? सर अभी रेटिंग कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि अभी इसका टीजर ट्रेलर का वेट करते हैं, सही प्रॉपर तरीके से उनका लुक्स आने दो, अभी तक आया नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मल सा था, अभी प्रॉपर टीजर में दिखेगा आखिर क्या कीर्ति सुरेश है, बाकी का कौन विलन है, क्योंकि ये तो खुद बटला विलन भी बटला चाहिए इनको हाइट के हिसाब से, अगर लंबू मिल गए वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला तो अभी शाहरुख खान के जैसा धोते रहेंगे इसमें। तो अभी वेट करते हैं हम लोग टीजर का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।